टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से हटा दिया। जी हाँ, हाल ही में श्रीसंत ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के प्रति अपनी नफरत का इजहार कर दिया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने विवादास्पद करियर ने हरभजन के साथ थप्पड़ कांड झेला के बाद राजस्थान रॉयल्स के कोच पैडी अपटन के साथ उनके विवाद और फिर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों ने उन पर प्रतिबंध लगा। हाल ही में पैडी अपटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, जब श्रीसंत को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत नहीं दी गई थी तो इस गेंदबाज ने उन्हें जमकर लताड़ा था। अब श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में अपटन के अपने विवादों पर कहा है कि मैं मैच खेलना चाहता था क्योंकि मैं सीएसके को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि मिस्टर अपटन, अपने दिल पर और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहो कि क्या मैंने आपको कभी गाली दी? मैं लेजेंड क्रिकेटर राहुल द्रविड़, जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने अपटन से झगड़ा किया था, कब मैंने उन्हें गाली दी। श्रीसंत ने कहा कि मैंने अपटन से कई बार अनुरोध किया कि वो मुझे मैच खेलने दे क्योंकि मैं चेन्नई को हराना चाहता था, लेकिन उन्होंने इस बात को अलग ढंग से लिया और सोचा कि मैं इसलिए खेलना चाहता हूं क्योंकि मैं फिक्सिंग में शामिल हूं। हर व्यक्ति जानता है कि मैं सीएसके से कितनी नफरत करता हूं। धोनी या एन श्रीनिवासन की वजह से लोग ऐसा नहीं कहते, लेकिन मैं पीली शर्ट वाली टीम से नफरत करता हूं। इसी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया से भी नफरत करता हूं। मैंने चेन्नई के खिलाफ हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं वो मैच खेलना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत के मैच फिक्सिंग के आरोपों में लगे आजीवन प्रतिबंध को तो हटा लिया है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस केस को ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बीसीसीआई को 3 माह का समय और दिया है ताकि श्रीसंत को सजा दी जा सके। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।